में पूरा भीड़ लग चुका है, देख सकते हैं। दोबारा ट्रक पर पेटी लटा के आया है ईवीएम मशीन, बहुत सारा बक्सा गबड़ा गया था। ईवीएम है ये? हाँ, एक बार में कितना कितना गाड़ियाँ आ रही है देख सकते हैं आप लोग। और अभी का तो अभी देख सकते हैं ईवीएम मशीन का पेटी फिर से आया है और फिर से दोबारा गिनती होगा। आप सब देख सकते हैं पूरा भीड़ हुजूम जुट चुकी है। काड़ा काट का पेटी गबड़ा गया था तो दोबारा पेटी आया है, बहुत सारा ट्रक से देख सकते हैं आप सब यहाँ पे पूरा। दोस्तों अभी का फिलहाल अपडेट ये है कि 17वां राउंड तक गिनती कंप्लीट हुआ और देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ उमड़ रही है, भीड़ बढ़ रही है क्योंकि राजा राम का जीत की ओर जा रहे हैं, उनका सपोर्टर ज़्यादातर आ रहे हैं। उनका देखिए यहाँ पर झंडा भी लोग ला कर फहरा रहा है, नारा लगा रहा है। और बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग चुनाव हार गए पवन सिंह जी की तरफ से। अपडेट ये है कि कितना गाड़ी आ गया है, लड़ाई झगड़ा ना हो, माहौल ख़राब ना हो, इसीलिए पुलिस प्रशासन देख सकते हैं आ गई है बहुत ज़्यादा। और दोनों तरफ रोड पे बैरिकेड लगा दिया गया है, फोर व्हीलर गाड़ियाँ नहीं आ रही है। और फिलहाल यहाँ का अपडेट ये है कि 17 राउंड तक कम्प्लीट हुआ है गिनती, अभी 5 राउंड और बाकी है जहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह जी को 2,48,000 वोट मिला है और वही राजा राम लगभग 60,000 प्लस वोटों से आगे हैं, 65,000। उपेंद्र कुशवाहा तो थर्ड नंबर पर है, पवन सिंह जी सेकेंड नंबर पर है। लेकिन पहली बार में पवन सिंह जी को जिताना चाहिए था, यहाँ इतना अच्छा नेता खो दिया काराकाट के लोग, काराकाट के जनता। लेकिन चलिए हम लोग हार के भी हम लोग पवन सिंह के साथ हैं और साथ रहेंगे जीवन भर। फर्स्ट बार में इतना वोट लाना, 2.5 लाख वोट लाना ये कम नहीं होती है। लेकिन हम लोग को एक दो जात थोड़ा सा गद्दारी कर दिया, वो लोग वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं होता है। फिलहाल यहाँ का ही अपडेट है, अभी 5 राउंड और गिनती होना बाकी है। और यहाँ पे अपडेट ये भी लोग बता रहे थे जो अंदर से आ रहे थे कि 2-3 जगह के बूथ का बक्सा खुला हुआ था, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, वहाँ पे लॉक नहीं किया गया था, यही सब अपडेट था। फिलहाल अभी भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के जनता सारे देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पवन सिंह के सपोर्टर मायूस हैं। लेकिन उन लोग अभी भी हौसला नहीं हारे हैं, उन लोग अभी भी चांस है कि अभी 5 राउंड बाकी है, शायद हम लोग जीत सकते हैं, यही अपडेट है। पुलिस प्रशासन ज़्यादा आ चुके हैं और राजा राम अभी फिलहाल अभी जस्ट अंदर गए हैं। एक अलग ही माहौल होता अगर पावर स्टार पवन सिंह जी आगे रहते तो।